आपको मुबारक हो। पहली बात ये है, आपने अपने 14 दिन मुकम्मल कर लिए हैं, आपको थोड़ी बहुत तकलीफ तो हो गई, उसके लिए हम माजरत खा हैं अगर किसी को थोड़ी सी तकलीफ हो भी गई होगी, लेकिन ये आपकी भलाई, हमारी भलाई और ओवरऑल जो कश्मीर की पॉपुलेशन है उसकी भलाई। लेकिन खुशकिस्मती से आप सब ठीक हैं, ये मैं पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द घर पहुँच जाएंगे। आप तो यहाँ हम 14 दिन तक यहाँ बैठे, 14 दिन हमारी अच्छी तरह खिदमत शिदमत सब कुछ, अच्छी तरह खाना पीना सब कुछ सर। मतलब यहाँ के आपको कहना है कि यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी, हर कोई फैसिलिटी थी, पूरी अच्छी थी। तो मतलब टेस्ट जी जी वो सब आए थे, डॉक्टर सब आए थे, डॉक्टरों ने भी टेस्ट देखे सब कुछ, उन्होंने बोला आपका सब कुछ ठीक है और आज हमें 14 दिन के बाद छोड़ दिया गया। मुबारकबाद देता हूँ पहले ग्रुप का जो कश्मीर में अभी तक आया था, ये 78 लोग थे जो 78 पहली फ्लाइट में हमने यहाँ होटल हिमाल में क्वारंटाइन किए थे। इनफैक्ट पहले लोगों को लगा था कुछ ज़बरदस्ती हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये उनकी भलाई के लिए था। और आज जैसे आप देखें ये खुशखरम घर जा रहे हैं, ना सोसाइटी में डर है अब इनका, ना घर वालों को कोई खतरा है, ना हमको, हम इनके साथ हैं। लेकिन एहतियात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये गरज जो सारा था ये एहतियात के लिए था। आज 78 जो सभी लोग हैं ये सेहतियाब होके अपने 14 दिन मुकम्मल करके अपने अपनी फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं। ये बिल्कुल वहाँ भी एहतियात रखें जो हमने इनको प्रोटोकॉल दिया हुआ है क्या करना है घर में, लेकिन ये बिल्कुल सही और सलामत सेहत में घर जा रहे हैं। ये बेसिकली लेह कारगिल की जो उन दिनों फ्लाइट आई थी उसमें से कुछ लोग फिर वापस ड्रॉप हो गए थे लेह में, क्योंकि एडवाइजरी आई थी कि वहाँ के यहाँ और यहाँ के वहाँ ना जाएं, तो उन लोगों ने ऑफ़र किया था वो वहाँ ही रहेंगे। और जो 78 बच्चे थे इंडियन एयरलाइंस के फ़्लाइट में वो सब श्रीनगर और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों, कुपवारा, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, गांदरबल, बांडीपोरा, ये सब अजला से ताल्लुक़ रखते थे, ये स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं। लेकिन आज हमने उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी बसों में रवाना कर दिया। जो अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबान वहाँ हैं उनको हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब राबिते में हैं, ये वहाँ उनको बिल्कुल घर में छोड़ देंगे। मैं एक्चुअली लेह में था, मैं जियो में काम करता हूँ, तो वहाँ से हमें वापस जो फ्लाइट थी 18 को, तो वहाँ एयरपोर्ट पहुँचते वक्त उन्हें बोला आपको क्वारंटीन में जाना है, तो हमने भी कोऑपरेट किया और गवर्नमेंट ने भी कोऑपरेट किया। और जो फैसिलिटी थी यहाँ बहुत अच्छी थी, डॉक्टर साहब, जेके टूरिज्म बहुत बढ़िया। उनके लिए ये शर्म की बात है, पहले वो अपनी फैमिली को इसमें डाल रहे कि वो डेंजर में डाल रहे हैं, उसके बाद अपनी सोसाइटी को, तो उनके लिए शर्म की बात है जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा रहे हैं। फॉरवर्ड आए, अपने आप को क्वारंटीन करें, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।